अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। एक नया दिन और एक नई वीडियो, मैं हाजिर हूँ आपके साथ और मैं आया हूँ अपने घर पर। तो मेरे घर के पास में ही छोटा सा गांव है जिसका नाम है शेरपुर और यह है शेरपुर का झाल और ये मेरे भाई हैं साथ में कज़िन, इनका नाम है उजैफा। तो हम इनसे भी कुछ पूछेंगे इस नहर के बारे में, झाल के बारे में। फ़िलहाल तो ये सूखी पड़ी है, आप देख सकते हैं पीछे ये सब पानी वगैरह है, मैं आपको सब दिखाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जब ये नहर चलती है तो काफ़ी भरकर चलती है और काफ़ी ऊपर तक आ जाती है। अब मैं चलता हूँ इस नहर के नीचे जो कि फ़िलहाल सूखी पड़ी है, तो हमारे साथ उजैफा भाई भी हैं। चलो तो उजैफा भाई कुछ बताओगे नहर के बारे में? बिल्कुल बताएंगे भाई साहब, थोड़ा तेज बोलना। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। हाँ बताओ इस नहर के बारे में। ये जो नहर है, हम बचपन से आते हैं घूमने के लिए फैसल भाई। हाँ नहर जो है हम बचपन, चलो आगे चलो। यहाँ से इधर से पानी आएगा और इधर से टकरा के नीचे को जाता है यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये झाल एक तरीके से ढाल बोलते हैं इसे, वापिस आता है पानी, पलट के वापसी आता है और इसमें वाइट वाइट झाग से बनते हैं, जो गिर गया इसमें समझ लो गया। और इसमें नहाना तो बिल्कुल मना ही है, बिल्कुल किसी हद तक कोई तरीके से इसमें कोई कूद नहीं सकता, स्विमिंग नहीं कर सकता कोई किसी भी तरीके। और उजैफ भाई अपने इंडिया के बच्चे मानते कहाँ हैं? और मानते फैसल भाई, मानते तो तुम भी ना। कितनी मौत हुई हमारे सामने, हम खुद वहाँ नहाते थे कूद के, जो एरिया देख रहे हो आप वहाँ खूब नहाए हैं, जंप करा हमने खूब। तो चलिए मैं दिखाता हूँ तुम्हें आगे की तरफ और क्या है यहाँ पर। और फिलहाल तो सूखी पड़ी है, जिस तरीके से मैं आया था मैंने कहा नहर चल रही होगी, दूसरी साइड जहाँ पर पानी रुका हुआ है। अब मैं उतर रहे हैं नीचे, हम देख सकते हैं लोकेशन कितनी प्यारी है यहाँ पर, फोटोशूट वगैरह के लिए आप आ सकते हैं, सॉरी फोटोशूट। ये झाल थी जो मैंने आपको अंदर जाके दिखाई दी नहर के, ये पूरी झाल है जो कि सूखी पड़ी है और इधर पानी रुका हुआ है, इसमें मछली भी है, मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन आपको दिखेगी नहीं। ये एक पेड़ खड़ा है और ये ऊपर की तरफ पूरा जंगल है, पूरा जानवर वगैरह भी आते हैं, तो इस तरीके से अपनी सेफ्टी रखना और आओ तो ज़्यादा अंदर जंगल में मत जाना। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे की तरफ और पूरा व्यू दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे फूल हैं, ये काफ़ी सुंदर लगते हैं, अगर यहाँ पे आप बैठ के फ़ोटो खिंचवाओगे कुछ करोगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये पूरा झाल है एक तरीके से, अभी तो सूखा है, जब जब आप आओगे तो देखना इसे। यहाँ पर है नीचे जाने के लिए पेड़ी, तो हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं पानी। छोटी छोटी फिश भी है, छोटी छोटी देखो यहाँ पर छोटी छोटी फिश है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर जाए नहीं तो। ये नहीं देखो छोटी छोटी फिश है यहाँ पर, और हाँ ऐसा पानी निकलता खुद रहती, और ये देख सकते हो आप यहाँ से पानी निकल रहा है खुद ब खुद। व्यू देख सकते हैं आप काफी प्यारा है। यहाँ पर हमारे उजैफा भाई कुछ पकड़ रहे हैं, पता नहीं क्या पकड़ रहे हैं। और आप व्यू देखो कितना शानदार व्यू है। हमारा भैया बेचारा आपके लिए कितनी मेहनत करके मछली पकड़ के लाया है, देखो झाल के अंदर से, और मैं आपको दिखा रहा हूँ मछली। जिंदा मर गई ये रही मछली, छोटी सी है, काफ़ी छोटी छोटी है, लेकिन मुझे भाई इसे पानी में डाल दो आप,
और वहाँ पे बोट खड़ी है एक छोटी सी, आपको नज़र आ रही होगी, अभी मैं आपको वही दिखाता हूँ। यहाँ पर रेत हो रहा है तो चला नहीं जा रहा। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये शेरपुर का छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ देखते सब हैं और लाइक कोई नहीं करता, सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो सब्सक्राइब लाइक कर दे करो यार। और ये हमारे उजैफा भाई कुछ कहना चाहते हैं, कर दे करो यार, कर दे करो, कितना ज़्यादा सब्सक्राइब करने में बहुत मेहनत से बनता है व्लॉग वाकई में, आप बना के देखना, बहुत मेहनत से बनता है।